का दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus 5 by x is equal to 2x square where x is greater than 0। अब देखो, हमें पहले समझना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी इस फॉर्म में dy by dx plus py is equal to q, ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, वो इस फॉर्म में होना चाहिए। वो उसी का हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। अब देखो, यहाँ पे p और q क्या है, इसका किसका फंक्शन है? p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, x का फंक्शन चाहिए सर। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया होगा, तो ये क्लियर है। तो हमें कैसे सॉल्व करना, स्टेप बाई स्टेप जाएंगे। तो पहली बात तो है कि इस फॉर्म में लेके आओ, यहाँ से हम p और q निकालेंगे। अब देखो, इस फॉर्म में कैसे लेके आना, देखो तो dy by dx, dy by dx है, तो उसको ऐसे टिस लिख दो dy by dx। अब देखो, यहाँ पे माइनस y by x है, यहाँ पे y है, बाकी हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से रखना पड़ेगा। तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पे माइनस, क्या रख सकता हूँ मैं, नहीं तो हमें क्या डालेंगे, प्लस डाल के माइनस वन वाई एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ वैसे? देखो, इस फॉर्म में लेके आना, देखो यहाँ से हमें p और q निकालना पहले, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो माइनस वन बाई एक्स निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पे y। ठीक है, तो y मुझे बाहर निकालना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, सेपरेटली लिखना था। अब देखो, इसको कंपेयर करो इसके साथ, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इसके साथ कंपेयर करने से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से p क्या निकल के आएगा, माइनस वन बाई एक्स, क्यू क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोसीजर है जिसमें तुम निकालोगे p और q, उसके बाद तुम जाओगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। अब देखो, यहाँ से e पावर इंटीग्रल ऑफ p, यहाँ पे क्या है, माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। अभी तुम्हें इंटीग्रेट करना है माइनस वन बाई एक्स डी एक्स को। अब इंटीग्रेट करोगे, हमें पता है कि देखो वन बाई एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स ना, क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस लॉग एक्स। ये माइनस वन है लॉग के आगे, वो कहाँ जाएगा, एक्स के पावर में चले जाएगा, ये प्रॉपर्टी तो पता होगा, एक्स के पावर में चले जाएगा। अब देखो, e पावर log एनीथिंग क्या हो जाता है, वो थिंग हो जाता है। क्या इसका मीनिंग क्या है, e पावर log जो है, log जो भी है, देखो यहाँ पे log ही है, तो e पावर log हट जाएगा और क्या बचाएगा, ये बचा रहेगा क्या है, x पावर माइनस वन। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देख तो मैं समझ ना, देखो e पावर log समथिंग, वो समथिंग रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमें मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, वो है x पावर माइनस वन, नहीं तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन बाई एक्स। हो गया, ये सेकंड प्रोसीजर है, मान सकते हो ये सेकंड स्टेप है। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है, एक फॉर्म में लिखा है तुम्हें, कैसे लिखना है, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो ये कैसा आया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y क्या है, y तो y रहेगा ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स डालो, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, हमारे पास क्या है, टू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, देखो y इंटू वन वन बाई एक्स, तो y इंटू वन बाई एक्स वैसे ही रहेगा, वो छोड़ो। अब इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ से x और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या बचा रहेगा, यहाँ पे बचा रहेगा x, यहाँ पे क्या टू है ना, तो टू कहाँ पे जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन तुम्हें करना है ना, देखो बचा क्या रहेगा, देखो टू एक्स है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स, देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, देखो y इंटू वन बाई एक्स तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, तो टू एक्स बचा रहेगा डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। अब देखो ये कैसे होगा, देखो इसको कैसे लिखना है तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉन्स्टेंट है, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना,
बट बाहर एक और ये एक्स टू बैठा है, तो टू टू कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं वाई इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, वरना क्या कर सकते हो, दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू एक्स, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, ये हमारे क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है, तो मैंने एक और बात समझा दी, तुम कहाँ से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टेप है तुम्हें कंपेयर करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, उस फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पी का वैल्यू निकालो, क्यू का वैल्यू निकालो, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर माइनस ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, यहाँ से तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म में लिख दो वाई इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, यहाँ से तुम ये इंडिकेट करो वाई के साथ मल्टीप्लाई, ये बोल गया सिंपल सी बात।